Hello everyone, today we are going to start the part 3 of chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy. In the previous two videos we done the explanation of primary sector, secondary sector and tertiary sector, organized and unorganized sector. In this video we are going to start the explanation of sectors in terms of ownership, means public sector and private sector. In short, public means government sector and the private means the individual or a citizen centered center. That started. What is public sector? Organized by the government. Jo bhi government ke dwara organized ho wo aapke public sector ke andar aate hain. To provide facilities to the worker like fixed employment, fixed working hours, and main aim is to provide public welfares. Ab aapko ek question ka answer dena hai comment box mein ki वर्किंग आवर्स एक वीक में कितने हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता रखा है. तो मेन एम इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर. इनका मेन एम क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर. तो अगर आप इसी से कंपेयर करें तो प्राइवेट का क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर आर इंडियन रेलवे, हॉस्पिटल्स, पार्क, लाइब्रेरीज एट्सेट्रा. आगे आप देखेंगे सम एग्जाम्पल, जैसे रेलवे देखा आपने, पोस्ट ऑफिस या फिर हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ public sectors. Next is private sector, organized by the private individual or a group of individual, does not provide fixed employment and fixed working hours to the workers. ये नहीं provide करते fixed employment और working hours भी इनके fixed नहीं होते. The main aim is to make many profit from themselves for themselves. कहने का मतलब इनका main aim क्या होता है? Profit maximization. Example Birla company and lines etc. Qualities of the public sector. Job security. इनमें आप जो अब काम कर रहे हैं government sector में, तो आपको without any notice आपको नहीं निकाल सकते. फिर benefits बहुत सारे मिलते हैं. More relaxed atmosphere, और आपका जो atmosphere होता है, working condition जो होती है बहुत ही relaxed होती हैं. Qualities of private sector. More opportunity for promotion as the company grow. आपको बहुत अच्छी pay scale मिलती है या फिर आपके growth के chances बहुत अच्छे होते हैं. These jobs tend to pay higher. इनकी salary बहुत अच्छी होती है. More prestige and the private sector is supposedly more efficient and less bureaucracy. Bureaucracy का मतलब होता है government intervention. Public sector में government interventions बहुत रहते हैं, मगर इसके अंदर government interventions बहुत ही कम होते हैं. आगे देखिए पब्लिक सेक्टर क्या होता है. द कंपनी विच आर रन एंड फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कंपेरिज द पब्लिक सेक्टर, जो भी चलाती हैं या फिर आप लिख सकते हैं ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ वेरी पुअर कंट्री. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास बिल्कुल फंड्स नहीं थे. और दूसरी बात, यहाँ के जो मतलब प्राइवेट होल्डर्स थे, मींस जो प्राइवेट सेक्टर था, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था. तो इसलिए गवर्नमेंट को खुद ही पैसा लगाना पड़ा सारी चीज़ों को सेटअप करने के लिए. तो इंडिया नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर बेसिक आइटम्स लाइक आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट. एडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए था. रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स ऑल्सो रिक्वायर द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दोज डेज. इंडियन एंटरप्रेन्योर, हु इज़ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर प्राइवेट वर्ड के लिए आता है जो अपनी एबिलिटी से कोई भी काम करे. वर नॉट कैश रिच, सो द गवर्नमेंट हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग बिग पब्लिक सेक्टर्स लाइक सेल, NONGC. एंड द लास्ट इज प्राइवेट सेक्टर. द प्राइवेट सेक्टर इज दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी समटाइम्स रेफर्ड टू एज सिटीजन सेक्टर. अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो सिटीजन सेक्टर की तरह काम करता है. इन्हें गवर्नमेंट, इनके ऊपर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, मगर जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करके ये काम कर सकते हैं. विच इज़ रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और अ ग्रुप यूजली एज अ मीन ऑफ एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट एंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. ये कंट्रोल नहीं होते किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, मगर रूल्स ये फॉलो करते हैं. द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इन अवर कंट्रीज. प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं एज इन कंपेरिजन ऑफ पब्लिक सेक्टर. और जॉब सिक्योरिटी किसमें ज़्यादा होती है? पब्लिक सेक्टर के अंदर. ग्रोथ किसमें ज़्यादा होगी? प्राइवेट सेक्टर के अंदर. द प्राइवेट सेक्टर इज लीगली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. लीगली रेगुलेटेड मतलब होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे. द बिजनेस विद इन वन कंट्री आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर विद द लॉज इन दैट कंट्री. और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. इन शॉर्ट, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल
या तो एक इंडिविजुअल संभालेगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल संभालेगा। मोटिव पब्लिक सेक्टर का होता है सोशल वेलफेयर और इनका होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी और एटमॉस्फेयर, फ्री एटमॉस्फेयर जो मिलेगा आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर मिलेगा और इसके अंदर आपको पे हाई स्केल भी मिलेगी, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ भी होंगे और गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपके पब्लिक सेक्टर में रहता है और इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता। थैंक यू।